और सूरत के रांदेर विस्तार से जा रही यहाँ पर कांवड़ियों का रूपाली सिनेमा के पास एकलव्य सेवा मंडल की तरफ से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर एकलव्य सेवा मंडल सूरत के माध्यम से यहाँ पर 500 कांवड़ियों का स्वागत फूल और हार से किया गया है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर फल और पानी का भी वितरण किया गया, जिसमें एकलव्य सेवा मंडल सूरत की कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं जो है बताया जा रहा है कि शिव सिंह ने भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है। हमारी तरफ से और साथ ही सभी कांवड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं तो पहले मैं आपके चैनल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इतनी रात हो चुकी है, फिर भी आप लोग कवरेज के लिए, शिव भक्तों के लिए, भगवान महादेव के लिए आपने समय निकाला, और हम एकलव्य सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि सारे शिव भक्तों का उन्होंने, हम तो ये सोच रहे हैं कि ये शिव भक्त जितनी जो भी श्रद्धा होगी उनके साथ साथ हमारे एकलव्य सेवा मंडल के पदाधिकारियों महादेव हसदेव अपना आशीर्वाद बनाए रहें, ऐसी कामना करते हैं। हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, पर हम बार बार यही कहेंगे कि एकलव्य सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और कई सालों से, आज 13वां साल है ये, 2 साल कोरोना काल में गुजर गया, नहीं तो आज 15 साल हो जाता। हम लोग ये यात्रा महादेव की कृपा से निकल रही है, आप लोग के आशीर्वाद से निकल रही है, आप लोग के स्नेह से निकल रही है। हमारे माँ शारदा मानस मंडल के सदस्य, जितने सक्रिय सदस्य हैं, संस्थापक हैं, हमने महेंद्र प्रताप सिंह हैं, क्षमाकांत तिवारी जी हैं, रुद्र प्रताप सिंह हैं, और उसके बाद विक्की सिंह हैं, मुन्ना हैं, सभी हमारे सक्रिय सदस्य जितने भी हैं, मैं उन्हें भी बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगा और उन्हें भी अभिनंदन शिव भक्तों को दूंगा कि आप लोग इसी तरीके आप हर साल आप लोग अपने मंडल का, अपने टीम की हौसला और सारे शिव भक्तों का हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद कर रहा हूँ। वकील भाई, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे एकलव्य सेवा मंडल के अध्यक्ष, मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा, पर बाल मुकुंद जी यहाँ पर नहीं है, मैं कहीं गए हैं, अभी जस्ट यहाँ थे, कहीं गए, मैं उन्हें तहे दिल से पुनः एक बार अभिनंदन और उन्हें स्वागत करना देना चाहता हूँ। यात्रा हम हर साल घुड़दौड़ रोड मोहन पार्क से चालू करते हैं, काकड़िया कॉम्प्लेक्स के पास से, और 8वां गेट होते हुए, सरदार ब्रिज होते हुए, आनंद महल होते हुए, आज हम रांधेर रोड पे रूपाली टाकीज के पास पहुँचे हैं। यहाँ से इस्कॉन मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर पे हम जल भरेंगे, जल भरने के बाद हम डांडी रोड होते हुए भगवान सिद्धनाथ महादेव को कल सुबह जितनी जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे उनका जल अभिषेक करेंगे। हर हर महादेव, हर हर।